नीट मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पटना एम्स के 3 डॉक्टर सीबीआई हिरासत में। डॉक्टरों के कमरे किए गए सील। तीनों पर नीट पेपर सॉल्व करने का आरोप। जी हां, जब से नीट पेपर लीक मामला सामने आया है उसके बाद से ही इसके तार कहीं न कहीं बिहार से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जहां पहले इस मामले में बिहार के ही संजीव मुखिया का नाम सामने आया, फिर एक एक कर कई नाम इसमें और जुड़ते गए और वो भी बिहार के निकाह के सामने है। और उसके बाद यहां से कई छात्रों से भी पूछताछ की गई और इस मामले में अब पटना एम्स से जुड़े 3 डॉक्टरों को भी सीबीआई की टीम ने हिरासत में लिया है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में बुधवार की रात पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को सीबीआई की टीम ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। तीनों 2021 बैच के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों से खबर है कि तीनों के रूम को भी सीबीआई ने सील कर दिया है और तीनों के लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई को शक है कि परीक्षा माफिया ने इन लोगों से पेपर सॉल्व करवाया था। इसके बाद अभ्यर्थियों को रटाए गए। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ट्रक से पेपर चुराने वाले इंजीनियर को पटना से ही गिरफ्तार किया था। साथ में ही पुलिस ने उसके एक अन्य साथी को भी पकड़ा था। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान पंकज कुमार और राजू सिंह के रूप में हुई है। वही झारखंड के बोकारो का रहने वाला पंकज सिविल इंजीनियर है। इस पर आरोप है कि इसी ने हजारीबाग से ट्रक से पेपर चोरी करके उसे आगे पहुंचाया था। सूत्रों के अनुसार पंकज ने ही सॉल्वर गैंग तक अपने लूटे पेपर को ही पहुंचाया था। वह जिस ट्रक से पेपर लूटता था उसी ट्रक से एनटीए अलग अलग सेंटर पर पेपर पहुंचाता था। हालांकि अभी भी सीबीआई को नीट पेपर लीक का मुख्य साजिशकर्ता संजीव मुखिया की तलाश है। मुखिया पेपर लीक का मास्टरमाइंड है जो अभी फरार चल रहा है। उसका बिहार के अलावा देश के कई अन्य राज्यों में भी पेपर लीक माफियाओं से साठगांठ है। इससे पहले भी मुखिया कई बार पेपर लीक करवा चुका है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ही सीबीआई ने मुख्य आरोपी राकेश रंजन उर्फ रॉकी को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया था। माना जा रहा है कि राकेश रंजन नीट पेपर लीक मामले में मुख्य भूमिका में है। सीबीआई ने जाल बिछाया और रंजन को गिरफ्तार करने के लिए पटना और कोलकाता में 4 जगहों पर छापेमारी की। हालांकि सीबीआई ने अब तक 1 से ज्यादा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है ताकि उस साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। दरअसल बीते 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का परिणाम आने के बाद हंगामा शुरू हो गया। रिजल्ट आने पर पता चला कि इस परीक्षा में 67 टॉपर्स हैं, जबकि एक ही सेंटर के 8 टॉपर का नाम सामने आया। ऐसी स्थिति में परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों ने इस परीक्षा के जांच करने की मांग करने लगे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दाखिल की गई और अब इस केस के तार पटना एम्स से जुड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।